मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज। तो है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ कट के रखी हुई है चॉप करके। तो इन सब्जियों में है गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और हरी मिर्च। और चलिए फिर फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को मोमोज। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है, प्याज हमारा ब्राउन हो जाता है। उसके बाद ऐड करते हैं सब्जियाँ। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है क्रश किया हुआ पत्ता गोभी और उसके बाद अब ऐड करेंगे इसमें गाजर और शिमला मिर्च। गाइस यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, 5 मिनट तक इसको पकने देते हैं। सारी सब्जियाँ हमारी फ्राई हो रही है तो इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा मसाला और सॉल्ट। गाइस यहाँ पे फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है तो इसको बंद कर देते हैं। गाइस को गाइज यहाँ पे हम मोमोज का आटा तैयार कर रहे हैं। तो इसमें है मैदा, थोड़ा सा आटा, नमक, रिफाइंड। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मतलब मैश कर लेते हैं आटे की तरह। और यहाँ पे मैंने रख दिया है, पानी बॉयल होने देते हैं। गाइज यहाँ पानी हमारा बॉयल हो चुका है, मैंने 4-5 मोमोज बन गए थे तो मैंने रख दिया है इसको स्टीम होने के लिए। बाकी यहाँ पे और बन रहा है, कौन बात नहीं, या बेल रही है बाकी का स्टफिंग करने के लिए। गाइस जितना मोमोज मेरा बन चुका है इसको मैं स्टीम होने के लिए रख दी हूँ। चलिए इसको ढक देते हैं, उसके बाद बाकी का बना लेते हैं। गाइस इतने मोमोज बन चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे इतने मोमोज स्टीम हो रहे हैं। ये रहा मोमोज का फाइनल लुक। तो ये हमारी चटनी है, ये लहसुन है, इसमें लाल मिर्च है और टमाटो और चटनी है, ये है मोमोज। तो ये हमारा होममेड मोमोज बन के रेडी हो चुका है। तो ये रहा हमारे मोमोज का फाइनल लुक। तो कैसी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरे मोमोज की वीडियो। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। जो भी मेरे वीडियो पे आए तो प्लीज़ एक लाइक करके तभी जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।